शनिवार दिनांक 6 जुलाई 2024 को अमरावती सेंट्रल जेल में बॉम्ब सदृश वस्तु फेंकी गई, जिसके कारण संपूर्ण महकमा हक्का बक्का हो गया और उपाय योजना में लग गया। आइए अमरावती कारागृह की कुछ पुरातन बातें जानें। सन 1866 से पूर्व अमरावती में वकील लाइन में रामविलास चाल में ब्रिटिश कारागार हुआ करता था। बरतानवी शासन को यह कारागृह अपर्याप्त लगने से अमरावती के 0 माइल से 5 मील दूर बडाली के जंगलों में 92.30 एकड़ भूमि अधिग्रहित करते ₹27,853 की लागत से अमरावती सेंट्रल जेल की 4 दीवारों की निर्मिति की गई, जिसे कंपाउंड वॉल कहा गया। तब से अमरावती कारागृह कार्यरत रहा। इसे कभी कालापानी जेल तो कभी सुधारणा व पुनर्वसन केंद्र कहा गया। नाम कुछ भी हो, मगर जेल की पिछली कंपाउंड वॉल के पीछे से गुजरता एक्सप्रेस हाईवे अपनी ऊंचाई के कारण जेल प्रशासन के लिए सरदर्द बन बैठा। इस ब्रिज से प्लास्टिक बॉल से गांजा व अन्य आक्षेपार्थ वस्तुएं फेंकी जाती रही। कुछ कैदी जेल से भागे, जेल पर हमला हुआ। जेल में मोबाइल, गांजा, तेज हथियार के प्राप्त होने के किस्से भी सुनाई दिए। अमरावती जेल प्रशासन के बारंबार मांगने पर भी आखिरकार DPDC ने ₹10 करोड़ अमरावती जेल की पिछली दीवार यानी कंपाउंड वॉल ऊंची करने मंजूर की। बात अमरावती जेल की निकली है तो आइए आपको बता दें, इस जेल में माननीय नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी व कामराज इनके जैसी दिग्गज नेता मंडली बंदिस्त थी। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी।